छह साल पहले मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग हुई तैयार, नहीं हो सका शुरू। अलीगढ़ करोड़ों की लागत से बना राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज राजनीति की भेंट चढ़ गया। मायावती सरकार के समय में इस होम्योपैथिक कॉलेज की नींव रखी गई थी। उस समय बसपा सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और पूर्व सांसद राजकुमारी चौहान ने अस्पताल का लोकार्पण किया था। अलीगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बनने का कार्य जून 2010 में शुरू किया गया था और ये मेडिकल कॉलेज दिसंबर 2012 में बनकर तैयार हो गया। जल निगम की कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने इस मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग 2 साल में बनाकर तैयार कर दी। इस मेडिकल कॉलेज को बनने में करीब 53 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 100 बेड का ये अस्पताल बनकर तैयार, इलाज में प्रयोग होने वाले सभी उपकरण भी यहाँ हैं। लेकिन अभी इस अस्पताल के शुरू न होने से सभी उपकरण पॉलीथिन में पैक हैं और धूल फांक रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बना होम्योपैथिक कॉलेज से जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। मायावती शासन के बाद अखिलेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर कोई घास नहीं डाली। इसका श्रेय मायावती को न मिल जाए, इसके लिए अखिलेश सरकार के 5 सालों में मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किया गया। सभी तैयारियां पूरी हैं, केवल स्टाफ की तैनाती बाकी है। राजनीतिक जकड़ के चलते मेडिकल कॉलेज पर ताला पड़ा हुआ है। होम्योपैथिक चिकित्सा के लोगों को इस मेडिकल कॉलेज में जिलाधिकारी से लेकर प्रमुख सचिव तक मुआयना कर चुके हैं, लेकिन इसे चालू करवाने की हिम्मत नहीं दिखा सके। देखिए, ये 2011 में बहन जी के शासनकाल में बना था और ये 53 करोड़ रुपए से बना है। ये 100 बेड का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है 100 बेड का। लेकिन जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने रोक दिया गया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बहन जी को कोई इसका श्रेय मिले। अब भाजपा की सरकार आई है तो यहाँ की जो 2 मौजूदा विधायक हैं बरौली से ही, क्योंकि बरौली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पड़ता है, एक मौजूदा विधायक और एक मौजूदा MLC, और जो भाजपा में ही है दोनों इस वक्त, इन दोनों की नाक की वजह से नहीं चालू हो पा रहा है। ये नहीं चाहते कि इसका श्रेय विधायक को जाए या MLC को जाए, जबकि इसका नुकसान हो रहा है जनता का। अगर ये चालू हो जाता है तो जो गरीब लोग दिल्ली नहीं जा सकते अपना इलाज कराने के लिए, वो यहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इन भाजपाई लोगों को जनता की नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं है। इनको तो बूढ़ा मरे या जवान, इनको तो हत्या से काम। बूढ़ा मरे जवान, इनको हत्या से काम। इनका कोई मतलब नहीं है कि कौन गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई परेशान हो, इनका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक इन चीजों से। अगर ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाता है तो जनता को कितना बड़ा फायदा होगा। आप सोचिए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग 53 करोड़ रुपए से जनता के पैसे से बहन जी ने बनवाई, कोई ऐसा नहीं उन्होंने अपने पास से बनवाई, जनता के पैसे से बनवाई। और ये लोग ना इससे पहले सरकार शुरू होने दे रही और ना ये मौजूदा सरकार शुरू होने दे रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, श्रेय की बात छोड़ो, इस बात को देखो किसको श्रेय मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जिसका जो काम करता है ऊपर वाला, उसको जरूर आगे बढ़ाता है, लेकिन कम से कम हमें इस बात को सोच लेना चाहिए कि ये गरीबों का काम है, ये गरीबों का ऐसा काम है जो आज बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। अगर ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाता है तो बहुत बड़ा अलीगढ़ को फायदा होगा, जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। चलाने के लिए जो आयुष विभाग में जो निदेशक हैं श्री मुकेश कुमार जयश्राम साहब, उनका कई बार मेरे पास मैसेज आ गया है, कुछ आवासीय सुविधाएं वहाँ पे डॉक्टर्स को नहीं मिली है, बन पाई है। मैंने लास्ट मंथ में रिव्यू किया था तो उसमें जो कामदायी संस्था है उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जरूरी डॉक्टरों के आवास बना दें, तो शासन उसको लेकर गंभीर है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले काल में आपके शासन आप शुरू करवाएंगे इस राजकीय। आप ऐसा करो, क्या राजनीतिक अड़चनों की वजह से ये रुका पड़ा है? नहीं, कोई राजनीतिक अड़चन नहीं है, कहीं किसी ने मुझसे कहा भी नहीं है। और डायरेक्टर साहब का तो 3-4 बार मेरे से बात भी हो चुकी है, उनका कुछ ट्रेजरी का इशू था वो हमने रिजॉल्व कराया है, जो आवासीय समस्या है वो भी हमने रिजॉल्व कराया है। नहीं, खुद ही इस मामले को लेकर गंभीर है। जल्द शुरू करवाएंगे सर, मुख्यमंत्री महोदय को बुला के उद्घाटन करवाएंगे। अच्छा,